रोज़ाना ज़िंदगी में हमें कोई अच्छी टेस्टी और इजी रेसिपीज़ भी ज़रूरी होती हैं। तो ये है एक ऐसी रेसिपी, आलू पमकिन। इसमें अच्छा स्पाइसी फ्लेवर भी है और एक स्वीटनेस भी आता है पमकिन से। इसके लिए आपको चाहिए फाइनली चॉप्ड 4 to 5 गार्लिक क्लव्स, हाफ इंच जिंजर, 2 ग्रीन चिलीज, 1 बड़ा ऑनियन, 1 बड़ा टोमेटो, 2 पोटेटोज क्यूब किए हुए और 200 ग्राम्स पमकिन क्यूब किए हुए। अब हमें गरम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल ले लेंगे, उसमें 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स ऐड करेंगे, थोड़ी करी लीव्स ऐड करेंगे। इसमें फिर हम ऐड कर देंगे फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज, जिंजर और गार्लिक। उसी में ऐड कर लेंगे हम फाइनली चॉप्ड अनियंस और इसे सौते करेंगे टिल ये गोल्डन ब्राउन और ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। जब अनियंस अच्छी तरह से पक जाए, इसमें हम ऐड करेंगे चॉप किए हुए पोटैटोस। पोटैटोज ऐड करके इसमें हम सॉल्ट भी ऐड कर लेंगे और इसे कवर करके 4 से 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। चार से 5 मिनट बाद हम इसमें पम्पकिन भी ऐड कर देंगे। पम्पकिन ऐड करने के बाद हम फिर से इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू पम्पकिन। फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे फिर कवर करके हम और 5 से 7 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, बट बहुत ही कम। अब जब पोटैटोज और पम्पकिन 90% कुक्ड है ऑलमोस्ट, हम इसमें ऐड करेंगे टमेटोज। सेंटर में स्पेस बना के टमेटोज ऐड करके उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और उसे अच्छे से कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। अब 4 से 5 मिनट बाद टमेटोज भी कुक हो गए होंगे, बस इसे खोलिए, अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। कोरिएंडर लीव्स आप ऐड कर सकते हैं चॉप्ड, इसे एंजॉय कीजिए आप भाकरी के साथ, चपाती के साथ, पराठों के साथ, आपको जिस तरीके से पसंद आए। ये दाल राइस के साथ मिक्स करके खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी और मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बेल आइकन पे दबाइए सो देट आपको नोटिफिकेशन आए मेरी हर फ्यूचर वीडियोस पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।